अरे गुड़िया बेटा आ गई तू? चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, आज मुझे भूख नहीं है। क्यों, भूख क्यों नहीं है तुझे? माँ आज मेरा जन्मदिन है, तो आज मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है। आप मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? बेटा हमारा घर ही जैसे तैसे चलता है और ऊपर से तेरी पढ़ाई का खर्चा, ऐसे में हम गरीब भला जन्मदिन मनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? पर माँ मुझे जन्मदिन मनाना है, केक खाना है। बेटा हम काम पर चलते हैं, वरना हमें काम के लिए देरी हो जाएगी। पर माँ, देखा आपने, हम गरीब को कितना कुछ देखना पड़ता है। क्या आप जानना चाहते हो कि माँ मेरा जन्मदिन मनाएगी या नहीं? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है? अरे गुड़िया बेटा ये क्या कर रही हो? अरे आंटी आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, ये लो, आओ अंदर आ जाओ। बर्थडे है गरीब कहे की। हाँ हाँ मुझे पता है, पार्टी के लिए जाना है, मैं बस रेडी हो ही रही हूँ, निकल ही रही हूँ। रिद्धि दीदी। हाँ क्या है? रिद्धि दीदी आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आपके लिए ये क्या क्या लाई है, दिखा? छी ये क्या है? ये गुड़ है। बर्थडे पर केक खाते हैं और तू ये क्या उठा लाई है? और तूने सोचा भी कैसे मैं ये खा लूंगी? छी तुम गरीबों में अक्कल ही नहीं होती। अगर बर्थडे नहीं बना सकते तो उसके सपने क्यों देखते हो? अरे तू ये तो क्या, केक भी लेकर आती ना तो भी मैं नहीं खाती, समझी? अब तू यहाँ खड़ी होकर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? जा यहाँ से, आई बड़ी बर्थडे वाली। गरीब कहीं की मुझे गुड़ खिलाने आई। ये रिद्धि दीदी ने जानबूझकर किया ना? अरे नहीं बेटा, वो तो यहाँ कुछ रखने आई थी। माँ जब ये अमीर लोग हमें पसंद नहीं करते तो ये हमसे काम क्यों करवाते हैं, खुद क्यों नहीं कर लेते? लाओ माँ ये मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा तू बैठ, आज तेरा जन्मदिन है ना, इसलिए तू कोई काम नहीं करेगी, ये काम मैं कर लूंगी। ये सब रिद्धि दीदी ने किया है, वो भी जानबूझकर, मैंने खुद देखा है उन्हें। माँ आप यहाँ काम क्यों कर रही हो? चलो यहाँ से, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। बेटा अगर मैं यहाँ काम नहीं करूंगी तो हमारे घर चूल्हा कैसे चलेगा, मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? पर माँ। बेटा हम गरीब को ये सब सहना ही पड़ता है,
और अगर हम ये सब नहीं सहेंगे तो फिर खाएंगे क्या? माँ मुझे माफ कर दो, मुझे कोई जन्मदिन नहीं बनाना और ना ही केक खाना। मेम साहब, वो सारा काम हो गया, अब हम जाते हैं। अच्छा ठीक है, चल बेटा। ओए गुड़िया, वो तेरा सड़ा हुआ डब्बा भी ले जा, देख वो पीछे पड़ा है। अच्छा बेटा, लिया। और सुन, आगे से ये गुड़ वुड कभी लेकर मत आना, समझी? तेरे घर का अगर कुछ भी खाएंगे ना तो हम भी तेरे जैसे ही हो जाएंगे गरीब। और एक बात अपने भेजे में उतार ले कि जन्मदिन तुम जैसे गरीबों का कभी नहीं हो सकता, तुम गरीब हो और गरीब ही रहोगे। और हाँ, ये जो गुड़ है ना अपनी सोसाइटी, अरे हाँ तुम्हारी सोसाइटी थोड़ी होती है, झोपड़पट्टी होती है ना, तो वही झोपड़पट्टी में बांट देना और अपना जन्मदिन बना लेना, ठीक है? रिद्धि, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मम्मा, ये गुड़िया अपनी बर्थडे का मुझे सड़ा हुआ गुड़ खिलाने आई थी। हाँ तो मुझे नहीं खाना। तो मना कर सकती हो ना, इस तरह अपमान क्यों कर रही हो? और ये क्या लगा रखा है, गरीब अमीर सोसाइटी झोपड़पट्टी? पर मम्मा ये गुड़िया। चुप एकदम, ये हमारे यहाँ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो कहोगी या इनका इस तरह अपमान करोगी। गुड़िया भले ही गरीब है लेकिन उसके भाव कितने अमीर है कि वो तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए गुड़ लेकर आई, और तुमने क्या किया? अगर बर्थडे नहीं बना सकते तो उसके सपने क्यों देखते हो? ये जो गुड़ है ना अपनी सोसाइटी, अरे हाँ तुम्हारी सोसाइटी थोड़ी होती है, झोपड़पट्टी होती है ना, बर्थडे पर केक खाते हैं और तू ये क्या उठा लाई है? ये गुड़ है। बेटा अगर आज मैंने आपकी इस सोच पर रोक नहीं लगाई ना तो यही सोच आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए आज के बाद आपका जन्मदिन भी कभी नहीं मनाएंगे, तभी आपको एहसास होगा कि आपने किया क्या है। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत करो। हाँ मम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने गुड़िया और सुमित्रा आंटी के साथ ठीक नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा माफी मुझसे नहीं, गुड़िया और सुमित्रा से मांगो। गुड़िया सुमित्रा आंटी, आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों के साथ ठीक नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा आप माफी मत मांगो। हाँ रिद्धि दीदी, आप माफी मत मांगो, हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्या तुम अपने जन्मदिन पर मेरा मुंह मीठा नहीं कराओगी क्या? हाँ ये लो। अरे वाह, ये तो केक से भी ज्यादा अच्छा है। और हाँ आज तुम घर मत जाना, तुम्हारा बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करेंगे और बहुत मजे करेंगे, है ना मम्मा? हाँ